सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 9। स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोक्षर परमस्वराट, स एव विष्णु स प्राण, स कालोग्नि स चंद्रमा। सो अप टू 7 मंत्र निर्गुण ब्रह्म का विश्लेषण था, एंड देर वर सम पॉइंटर्स टू कॉन्टेम्पलेट अपॉन निर्गुण ब्रह्म। देन 8 से निर्गुण ब्रह्म की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताई गई। प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो निर्गुण है, बट कुछ थॉट्स, कुछ ऐसे पॉइंट जिस पे हम कॉन्टेम्पलेट कर सकें। एंड देन ही शिफ्ट्स टू सगुण ब्रह्म। तो ये जो कुछ भी सगुण ब्रह्म है, आप जिस किसी रूप में भी देखते हो, यहाँ पे अलग अलग रूप में, चाहे सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, अग्नि के रूप में, या किसी भी रूप में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये निर्गुण ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है वो निर्गुण ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। एंड ही गिव्स द लिस्ट ऑल्सो कि वो क्या क्या है। अब लिस्ट तो पूरी नहीं हो सकती, बट ही गिव्स सम सैंपल्स। इट्स एज गुड एज लाइक चैप्टर 10 ऑफ भगवद गीता कि दिस ब्रह्म, दिस निर्गुण ब्रह्म इज इंद्र है, ब्रह्मा ये वो फलाना ढिकना सब है यहाँ पर। वैसे सब ब्रह्मा, सब ब्रह्मा स शिव स इंद्र। सो ब्रह्मा इज नॉट ब्रह्मांड। यहाँ ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी से है, द क्रिएटर, द इंचार्ज फॉर क्रिएशन। सो ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, ये सब जो है, इंक्लूडिंग विष्णु विच इज नॉट मेंशन हियर बट नॉट नाउ बट इट इज देयर लेटर। सो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, एवरीथिंग। तो ये सारे जो मिनिस्ट्रीज के हैं, मिनिस्टर्स के नाम हैं, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आपके HRD मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये जो भी मिनिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे एक मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहे हैं यहाँ पर। देर इज अ सुप्रीम लॉर्ड, और वो सुप्रीम लॉर्ड है ब्रह्मन। सो ब्रह्मा जी द क्रिएटर, यहाँ पर जो भी है वो मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मन का। इंद्र मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मन का, शिव मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मन का। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप देखो यहाँ पे क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन है, और उस बीच में मेंटेनेंस है। तो ये जो तीन फंक्शन जो मैनेज किए जा रहे हैं, एक्चुअली ये तीन फंक्शन, तीन अलग अलग फंक्शन है, ऐसा नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हटके कुछ नहीं हो सकते यहाँ। लाइक एक पॉट है, देयर इज अ पॉट मेकर जिसने पॉट बनाया और पॉट बना, फिर वही पॉट बाद में कभी टूट भी जाता है किसी के हाथ से गिर के, पॉट ब्रेकर। सो पॉट मेकर एक है, पॉट ब्रेकर एक है,
बट विद इन दिस पॉट मेकिंग से लेके पॉट ब्रेकिंग तक, या उसके पहले या उसके बाद में, द क्ले इज मेंटेन, क्ले इज ऑलवेज मेंटेन दैट. अब एक स्टिक ले लो, वुडन स्टिक. द स्टिक इज क्रिएटेड, आप बोल सकते हो. आप उस स्टिक को तोड़ दो, आपने वो एक स्टिक को तोड़ के उसका दो स्टिक बना दिया. यू हैव क्रिएटेड टू स्टिक्स. आपने एक स्टिक को तोड़ के दो स्टिक बना दिया. डिस्ट्रक्शन ऑफ वन स्टिक आप बोलोगे, या क्रिएशन ऑफ टू स्टिक्स, क्या बोलोगे आप? या दोनों एक साथ में? दोनों साथ में. जब एक टूटा, दूसरा क्रिएट हो गया, और इस बीच में स्टिक एग्जिस्ट कर रही है, मेंटेन है. इस बीच में स्टिक इज मेंटेन. क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, तीनों एक साथ हो रही है यहां पर. सो ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है. लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है व्यवहार जगत में, ये इनमें से कुछ भी ब्रह्म से हटके नहीं है. तो यहां जो कुछ भी है, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिवा है, यहां जो कुछ भी है, ये सब ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है. दिस इज कॉल्ड सर्वात्म भाव. सभी में एक आत्मा है. पॉट जब बनाया तो हमने पॉट को देखा, पॉट जब टूटा तो हमने टूटे हुए पॉट को देखा, पॉट के टुकड़े को देखा. मगर पॉट बना उसमें क्ले था, पॉट टूटा उसमें क्ले था, और पॉट बनने से बाद में, और या पॉट बनने के पहले क्ले था, पॉट बनने के बाद में भी क्ले था, पॉट टूटने के बाद भी क्ले था. क्ले एग्जिस्ट इन ऑल पीरियड्स ऑफ टाइम, इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्ले वॉज एग्जिस्टिंग. सो आवर प्रॉब्लम इज वी सी द पॉट. जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? पॉट. What we miss is the clay. What is pot? Mithya. We can't say nothing. We can't say tuchham. क्यों? क्योंकि वो पानी भरता है, उसमें हम पानी भर के रखते हैं, तो ऐसा नहीं है तुच्छम है, नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते हम. लेकिन हम उसको एग्जिस्टेंट है ऐसा भी नहीं बोल सकते. सो ना तो ये, इसको हम ये कह सकते कि वो एग्जिस्टेंट है, ना ये नॉन एग्जिस्टेंट है. इसलिए एक नाम दिया है टेक्निकली वेदांता ने, उसका नाम है मिथ्या. तो ना तो ये सत्यम है, ना ये असत है, बट इन बिटवीन, जो आज है लेकिन जिसका अस्तित्व खुद का कुछ नहीं है, पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसको हम मिथ्या कहते हैं. उसका अस्तित्व किस पर है? सत्यम पर. सो व्हाट वी हैव टू सी इज सत्यम परवेड्स एवरी मिथ्या इन डिफरेंट नाम रूपा. अलग अलग नाम रूप में ये एक सत्यम है जो मैनिफेस्ट होकर मिथ्या रूप में, नाम रूप में मैनिफेस्ट होता ही है. सो व्हाट वी हैव टू कैच इज सत्यम. डोंट गेट स्टक विद मिथ्या. अक्षर ऑफ परम स्वराट. अक्षर, अक्षर न क्षरति इति अक्षर. इम्पेरिशेबल, जो पेरिश नहीं होता, जर्जर नहीं होता,
जीर्ण नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है, वो जिसमें कभी कोई चेंज संभव नहीं है, जो चेंजलेस है, नष्ट नहीं होता वो अक्षर, क्योंकि वो परम है, सुप्रीम है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, और वो स्वराट सेल्फ एफल्जेंट है। डू यू नीड एनी टॉर्च टू सी द सनलाइट? इवन टू सी द मोबाइल फोन यू डोंट नीड अनदर लाइट, सेल्फ एफल्जेंट है। मोबाइल में अगर आपको कुछ रीड करना है, यू डोंट नीड एडिशनल लाइट, उसके अंदर जो सेल्फ एफल्जेंट है वो। व्हाट टू टॉक अबाउट सन, देन व्हाट टू टॉक अबाउट ब्रह्म? उसे किसी और चेतना की जरूरत नहीं है, सेल्फ एफल्जेंट, जिसको जानने के लिए आपको कुछ और अवेयरनेस की, कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है, जिसको देखने के लिए किसी और ज्ञानम की जरूरत नहीं है, जिसको देखने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। सो वैसे ही जो खुद अपने आप में अवेयरनेस है, मुझे भगवान दिखाओ, प्लीज शो मी गॉड, तो ही मैं विश्वास करूंगा कि भगवान है। अच्छा, कैसे दिखाओ, कैसे देखोगे? अपनी आंखों से, आंखों से देख सकते हो आप? हाँ, और भगवान तो केवल बोलते हैं, दिखाई नहीं, चलेगा? मैं सुन सकता हूँ? अच्छा, भगवान को केवल आप स्पर्श करके जान सकते हो? अच्छा, हाँ तो चलेगा, वो भी चलेगा। वो सब मेरी जो इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ, दैट इट्सेल्फ इज अ प्रूफ देयर इज अ ईश्वरा। मैं कैसे देख पा रहा हूँ? मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेल्फ एफल्जेंट नहीं है। मैंने इसको देखा, ऑब्जेक्टिफाई किया, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट देखा, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया, तीसरा, चौथा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देखे, ऑब्जेक्टिफाई किया उसको, लेकिन जो आंखें हैं जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं, इसको इनलिमिन करने वाला कौन? यू डोंट नीड कि मैं देख पा रहा हूं ये टेस्ट करने के लिए मुझे किसी और के पास जाना पड़े, क्या मैं देख पा रहा हूं क्या? डॉक्टर खुद पूछता है, आपको सब दिखाई दे रहा है, ये कितने, ये कितने, ये कितने, तो वो खुद आपके प्रमाण पे डिपेंड करता है, आपकी आंखों पे डिपेंड करता है। वो नहीं कहता, अच्छा आप देख पा रहे हो, चलो सर्टिफाई कर दिया, आप देख पा रहे हो, जाओ। दैट डजंट वर्क। आंखें देख पा रही है उसका प्रमाण स्वयं आंखें हैं, और कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता। इवन आंखें आपकी देख पा रही है नहीं देख पा रही है, ये डॉक्टर नहीं बता सकता, आपको ही बताना होगा कि मैं देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं। डॉक्टर पूछेगा कि आप ये देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बस। सो उसी तरह से ये, अगर मेरी आंखें देख पा रही है तो कैसे देख पा रही है? अगर मेरी इंद्रियां परसीव कर रही है तो कैसे परसीव कर रही है? अगर मेरे माइंड फील कर रहे हैं इमोशंस को तो वो कैसे कर पा रहे हैं? अगर मेरी बुद्धि कुछ सोच पा रही है तो कैसे सोच पा रही है? ये मेरे शरीर, मन, बुद्धि, ये जो काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? वी सी बनाना, वी पील द बनाना एंड एंजॉय द बनाना। क्या आप गलती से पील कर दे, वापस पैक करना है? कैन वी रीपैक इट? नो, एक बार पील कर दिया, रीपैक नहीं कर सकते। कोकोनट, एक बार पील कर दिया, निकाल दिया, वापस नहीं जोड़ सकते आप उसको, वही पैकिंग आप नहीं दे सकते। कितने भी क्राफ्ट्समैन हो, बढ़िया क्राफ्ट्समैन आप हो, लेकिन वैसा का वैसा कोकोनट बना के सिंगल पीस में, और उसके अंदर कोकोनट हो, पानी हो, और वो भी कहाँ पे? सॉल्ट वाटर के पास में, समंदर के पास में, मीठा पानी, आश्चर्य।
दैट इट्सेल्फ प्रूव्स ईश्वर इज देयर. सेल्फ एफल्जेंट है. देर इज अ सनराइज, देर इज सनसेट. तो ये सनराइज सनसेट हो रहा है, ये मेंटेन है. ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है ये, आई डोंट नो, बट इट इज मेंटेन, वेरी वेल मेंटेन. सदियों से नियमित रूप से ये चले आ रहा है. मैंने इतना नुकसान करने की कोशिश की एज अ ह्यूमन बीइंग, बट उसके बावजूद कौन मेंटेन कर रहा है, वी डोंट नो. देर इज ईश्वर, सेल्फ एफल्जेंट. इस अवेयरनेस के लिए आपको किसी और अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, उसको किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. सो सब ब्रह्मा स शिव स इंद्र सब ब्रह्म सब विष्णु हो अक्षरफ परम स्वराट सब प्राण द प्राणा द कॉस्मिक वाइटल एनर्जी एट द टोटालिटी लेवल, इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द टोटालिटी लेवल. जब कॉस्मिक वाइटल एनर्जी भी मैं ही हूँ, तो इंडिविजुअल के लिए भी तो मैं ही हूँ यहाँ पर. विदाउट विच द एंटायर यूनिवर्स के नॉट सर्वाइव, के नॉट फंक्शन. ये जो आपके शरीर में सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, आपने खाना खाया, कुछ एक्सरसाइज तो नहीं है, फिर भी डाइजेस्ट हो रहा है, कम ज़्यादा जैसे भी है, तो वो कौन मेंटेन कर रहा है? प्राणास. प्राणास आर फंक्शनिंग मेटिकुलसली. दैट प्राणा इज मी ब्रह्मन. स कालह, कालह टाइम, और वी कैन ऑल्सो से डेथ, और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ चेंज. वॉट इज डेथ, वॉट इज बर्थ? बर्थ एंड डेथ इज नथिंग बट जस्ट अ चेंज. एवरी मोमेंट, हर मोमेंट में आपकी डेथ हो रही है और जन्म हो रहा है. मूविंग फ्रॉम वन एक्सपीरियंस टू अनदर एक्सपीरियंस इज डेथ ऑफ वन एंड बर्थ ऑफ अनदर. आप अपने रूम में थे, वहाँ डेथ हो गई, यहाँ बर्थ हो गया, क्लास स्टूडेंट. वैसे एवरी डे इन द मॉर्निंग यू वेक अप इज अ न्यू बर्थ. एवरी मोमेंट योर बॉडी इज चेंजिंग. व्हाई डू वी से बर्थडे? व्हाट इज बर्थडे? टेकिंग दिस बॉडी, अ न्यू बॉडी, फ्रेश बॉडी. But every day it is changing. 3 महीने में तो सारे सेल्स बदल जाते हैं यहाँ पे, सब चेंज हो जाते हैं यहाँ पे. एकदम फ्रेश सेल्स है, एकदम नया लॉट है एकदम. Then every day we should celebrate birthday. If we have to celebrate for the body or for atma, there is no birth, no death, no kala for atma. Then what is so hype for birth and death there? So philosophically, birth and death has no meaning because it is just the change from one embodiment to another embodiment. That's all. Which is changing constantly, every moment also. So, I am time. I am time, but I am not restricted to time. ये काला जिससे आप बंधे हो, हम उसे बंधे हुए नहीं हैं, मैं उसे बंधा नहीं. सो द चेंज इट्सेल्फ, क्रिएशन इज चेंज. व्हाट इज क्रिएशन? एक्चुअली क्रिएशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल. फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी इट चेंजेस. दैट चेंज, दैट principle of change because of which the change takes place is me. I am that person who runs the principle of change. ये जो काला है, time है, बदल रहा है सबका, सब में, सब रूप से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, बदल रहा है सब कुछ. ये change, ये जो change है वो मेरी वजह से, मैं हूँ इसका principle, मैं हूँ. अग्नि ही, फायर, दैट फायर इज मी. देन ऑफकोर्स
द ऑल फाइव एलिमेंट्स ऑल्सो वॉक्स इन द स्पेस एयर फायर अर्थ वाटर. अग्नि क्यों चुना फिर, वाई नॉट स्पेस, वाई नॉट अर्थ? ये एक पहला एलिमेंट है पांच में से जो सटलेस्ट है और उसको आप देख सकते हो. फायर जिसको आप देख सकते हो, स्पेस को आप देख नहीं सकते, एयर को आप देख नहीं सकते, फायर को आप देख सकते हो, इसलिए फायर. उसके बाद वाले जो ग्रॉसेस्ट है, तो जो देख सकते हो उनमें सटलेस्ट क्या है? फायर. दैट्स व्हाई फायर. ऑल्सो इट इज द सोर्स ऑफ लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, नॉट डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट. लाइक अनदर इज चंद्रमा, सह चंद्रमा. चंद्रमा इज ऑल्सो लाइट बट इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट. इनडायरेक्ट बिकॉज डायरेक्ट इज सनलाइट. फ्रॉम सन इट गिव्स, इट गोज टू चंद्रमा एंड चंद्रमा गिव्स लाइट. बट चंद्रमा का एक और क्वालिटी, इट इज प्लीजिंग, नॉट हार्श लाइक सन. पहली बात, वो प्लीजिंग है, इट गिव्स जॉय, प्लेजेंट है वो. दूसरा, चंद्रमा में जब चंद्रमा है उसकी वजह से ये जूस प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में, उसकी वजह से प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स में लाइफ आती है उसकी वजह से. सनलाइट में तो सब जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो चंद्रमा की वजह से वो प्लांट्स में लाइफ आ रही है और वो प्लांट्स की लाइफ आपके अंदर आ रही है. सो चंद्रमा इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइफ. और दूसरा एक अगर आप देखो यहाँ पे, अग्नि भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ. अग्नि जो जला देवे वही प्लांट्स को जला देती है, और चंद्रमा वो प्लांट्स को बढ़ाने में सहायक है, वो प्लीजिंग है. एक इतना हार्श है जला देवे, दूसरा प्लीजिंग है, लाइफ सोर्स है वो. और वो दोनों ऑपोजिट्स, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, वो मैं हूं, मेरे ही रूप है वो. सो उसी तरह से यहां पे जितने भी देवी देवता हैं, जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, जो अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, वो सब मेरा ही मैनिफेस्टेशन है. इट मे सीमिंगली एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्रिएटर डिस्ट्रॉयर, सब ब्रह्मा सब शिव, एक दूसरे के विपरीत है, मगर वो दोनों भी मेरे ही मैनिफेस्टेशन है. हीट एंड कोल्ड मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, दोनों भी. जैसे मैंने कहा ना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चैतन्य. चैतन्य ना तो अच्छा है ना बुरा है. थॉट्स आपके अच्छे बुरे हो सकते हैं. अच्छे थॉट आए तो भी चैतन्य बता रहा है कि अच्छे थॉट है, बुरे थॉट आए तो भी चैतन्य बता रहा है कि बुरे थॉट है. मंत्र 10, स एव सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम सनातनम ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुच्यते. विमुक्तये स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्. स एव सर्वं, ये जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन है यहां पर, ये जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन था आज से पहले, यद्भूतम् यत् भव्यम्, ये जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन होने वाला है भविष्य में, दो ही बताएं, भूतम भविष्यम, ये सब मैं ही हूं, एक ब्रह्मा. सो ब्रह्मा अलोन इज ब्रह्मा इन द ब्रह्मन अलोन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग एज एवरीथिंग. ना उन्होंने इतना लिस्ट दिया, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट दे दी, ये मैं 10 चैप्टर आप पढ़ लेना, उसका शॉर्टकट यहाँ पे बता दिया यहाँ पे, ठीक है. नाउ ब्रह्मा जी इज टायर्ड ऑफ गिविंग द लिस्ट, अब जरूरत नहीं है ना,
आश्वलायन को बताने की जरूरत नहीं है सब, ब्रह्मा जी बता रहे टीचर है और आश्वलायन स्टूडेंट है, इतना काफ़ी है। जो दूसरा स्टूडेंट है उनके लिए 10 चैप्टर है फिर, कि वहाँ पे लंबी लिस्ट है, थोड़ी सी और लंबी लिस्ट, लेकिन वहाँ पे भी जाके भगवान थक जाते हैं फिर, कि बस ये जो कुछ भी वो मैं हूँ फिर ऐसा। तो वैसे यहाँ पर है, यहाँ जो कुछ भी है, जो पास्ट में था, अतीत में था, जो भविष्य में होगा, वो मेरा ही मैनिफेस्टेशन। व्हाट अबाउट प्रेजेंट? प्रेजेंट का तो बताया ही नहीं है। च यद भूतम यद च भव्यम, जो चकारा है विच इम्प्लाइज वर्तमान ऑल्सो, द प्रेजेंट डे ऑल्सो एट प्रेजेंट। सो भूत से लेकर भविष्य तक, भूत कहाँ से शुरुआत होती है? कहीं से भी, भविष्य में कहाँ तक? पूरा मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए क्ले इज सेइंग, आज से पहले जितने भी तरह के पॉट्स बने जो यूज में आए, वो मैं ही था, मेरा ही मैनिफेस्टेशन था। भविष्य में जितने भी पॉट आएंगे वो मेरा ही मैनिफेस्टेशन होगा। तो आज जो है मेरा मैनिफेस्टेशन है, दैट इज अंडर लाइक पास्ट से लेकर भविष्य तक सब मेरा ही है यहां पर। सो मेरा मैनिफेस्टेशन यानी मैं उन सब में, क्ले कहती है मैं उन सब में अधिष्ठानम हूं। अधिष्ठानम द बेस मटेरियल, लाइक ऑर्नामेंट्स के पीछे आज से जितने भी ऑर्नामेंट्स बने पहले, गोल्ड वॉज द अधिष्ठानम, आज के बाद भी गोल्ड रहेंगे एज एन अधिष्ठानम इन द एनी गोल्ड ऑर्नामेंट्स में। सो आई एम देयर, आई वॉज देयर इन द पास्ट, आई एम देयर इन द प्रेजेंट, आई विल बी देयर इन फ्यूचर ऑल्सो। इन शॉर्ट आई एम सनातनम, आई एम सनातन, आई एम इटर्नल, आई एम नॉट बाउंड बाई टाइम, मैं टाइम से काला से बाधित नहीं हूँ, लिमिटेड नहीं हूँ। तम ज्ञात्वा सो हम इति, ज्ञात्वा देयर इज नो अदर वे, तम ज्ञात्वा देन ही सेज, तम ज्ञात्वा बाय नोइंग दैट इन दैट वे मृत्युम अत्येति, गोइंग बियॉन्ड मृत्यु, बियॉन्ड डेथ, बियॉन्ड डेथ इज एज वी सेड, बियॉन्ड डेथ इज नथिंग बट चेंज, डेथ मीनिंग चेंज। सो एवरी मोमेंट वी आर गोइंग विद द चेंज, वी मीनिंग द बॉडी नॉट यू, आत्मा इज सेम। सो दिस इज फलश्रुति। अगर आप इस तरह से जान लेते हो कि मैं पास्ट में था, प्रेजेंट में हूँ, फ्यूचर में भी रहूँगा, मैं ही हूँ जो मैनिफेस्ट हो रहा हूँ हर एक रूप में, ये जो कुछ भी व्यापक रूप आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स और फॉर्म्स में आप जो मुझे देख रहे हो, ये मैं ही हूँ। अगर आपने इस तरह से, क्ले कहती है, अगर आपने इस तरह से मुझे जान लिया कि सारे पॉट्स है, पॉट के लिड है, छोटा पॉट है, बड़ा पॉट है, लंबा पॉट है, मोटा पॉट है, चपटा पॉट है, वेसल है, जो भी है, ये मैं क्ले ही हूँ, इस तरह से अगर आपने मुझे जान लिया, तो ये जो भय है आपका, ओहो मैं हर वक्त थोड़ा थोड़ा टूट रहा हूँ और एक दिन मेरी डेथ हो जाएगी, एक दिन मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगा, पॉट कहता ही है, पॉट को ये डर है कि मैं एक दिन टूट जाऊँगा। लेकिन जिस पॉट ने ये जान लिया कि मैं पॉट नहीं, मैं तो क्ले हूँ, और यहाँ जो कुछ भी है हर क्ले पात्र में मैं ही हूँ, क्या उसको मृत्यु का भय होगा? नहीं, बिकॉज ही नोज दैट ही इज द क्ले नाउ, सो ही बिकम्स इमॉर्टल। हाउ ही बिकम्स इमॉर्टल? बाय नोइंग दैट आई एम क्ले एंड आई एम नॉट पॉट। तो ये जो पॉट है या लिड है या पात्र है, ये अलग अलग नाम रूपा मात्र है। तो अगर मेरा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि मैं वो पॉट हूँ, मैं वो लिड हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं ये इंद्रिय हूँ,
तो ये जब आइडेंटिफिकेशन ही नहीं रहा, देन आई एम आत्मा. आत्मा इज फ्री फ्रॉम बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स. नाम रूपा मिथ्या रूपी है ये सब, बट सत्यम इज आत्मा. पॉट इज ऑल पॉट, लिड पात्र, एवरीथिंग इज नथिंग बट मिथ्या, बट सत्यम इज क्ले. तो जब ये जान लिया कि मैं सत्यम हूं बाकी सब मिथ्या है, तो मृत्यु किसकी होती है? मिथ्या रूपी नाम रूपा की. आई एम नॉट द मिथ्या, आई एम द सत्यम. तो डेथ किसकी होगी? मेरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी. तो बर्थ किसका हुआ? मिथ्या का. बर्थडे किसका है? मिथ्या का. बर्थडे किसका था? मिथ्या का. उमेश कौन है? मिथ्या. ये जो शरीर है इसके विकार आज पॉसिबल है, इसकी डेथ पॉसिबल है. इनफैक्ट बर्थ से लेकर डेथ तक इट गोज थ्रू विथ सिक्स विकारस. पहला है अस्थि, एग्जिस्टेंस. जायते बर्थ, वर्धते ग्रोथ, विपरिणमते मॉडिफिकेशन, अपक्षीयते डिक्लेंशन, एंड देन फाइनली विनश्यति डेथ. सो जो पैदा हुआ, that body has to go through with this six modification. Everybody. And everybody, when you are born, you are caught up because of samsara. आप samsara में हो और आपको रोना पड़ेगा, हर हाल में रोना पड़ेगा और जन्म से रोना पड़ेगा. नहीं रोगे तो डॉक्टर मार मार के रुलाएगा आपको. तो वैसा ही है ये दुनिया, ये samsara ऐसा ही है. या तो आप रोगे, नहीं रहोगे तो दुनिया मार मार के रुलाएगी आपको. ये संसारा में हो आप इसलिए. बट आत्मा इज फ्री फ्रॉम दिस मॉडिफिकेशंस. आत्मा इज सेम ऑल द टाइम, इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. किसी भी नेम और फॉर्म में हो, आत्मा एक ही है. आत्मा में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, आत्मा में कोई मॉडिफिकेशन संभव नहीं है, आत्मा में जर्जरता संभव नहीं है. वो अक्षर है. डिक्लेंशन प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है. आत्मा की डेथ पॉसिबल नहीं है. एंड यू आर दैट आत्मा सत्यम. और ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है मिथ्या के साथ में कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये फॉल्स नोशन है. और तम ज्ञात्वा, जब आप ये जान लेते हो इस तरह से, यू आर फ्री फ्रॉम द डेथ. जब पॉट को यह पता चल गया कि मैं पॉट नहीं, पॉट तो केवल नाम रूप है, मैं तो वास्तव में क्ले हूं. जैसे इस बॉटल को पता चल जाए कि मैं तो वास्तव में प्लास्टिक हूं, तो इसका कभी डेथ नहीं है. ये जो वेट है, ये वेट प्लास्टिक का है. ये जो स्पर्श है, आपको लगता हो कि ये बॉटल मैंने पकड़ रखा है, नहीं, मैंने तो प्लास्टिक को पकड़ा है. जो स्पर्श है वो प्लास्टिक का, वेट है वो प्लास्टिक का. ये जो आप देख रहे हो प्लास्टिक देख रहे हो, बॉटल तो केवल नाम रूप है, उसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है. तो जब ये जान लिया, देन आई एम फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल दिस देश काल वस्तु से जो मैं बंधा हुआ हूं, उससे मैं फ्री हो गया. बर्थ डेथ से मैं फ्री हो गया, मॉडिफिकेशन से मैं फ्री हो गया, ये क्षर जर्जरता से, बुढ़ापे से, ओल्ड एज से, ये यूथ से, ओल्ड एज जो आया उससे मैं फ्री हो गया. तो क्या इसका और कोई रास्ता नहीं है नॉलेज के अलावा? क्या मैं मेडिटेशन करके ये मोक्ष नहीं हासिल कर सकता? मेडिटेशन, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, एम आई अ स्नेक? नो. एम आई अ काउ? नो. हु एम आई? कुछ लोग होते हैं ना, मेडिटेट करो, हु एम आई पे मेडिटेट करो, तो ओके आई विल मेडिटेट अपॉन हु एम आई, हु एम आई, लेट मी फाइंड आउट बाय माई सेल्फ. क्या उससे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? क्या योगा करने से, शीर्षासन करने से सब रिवर्स हो जाएगा? मैंने अपने आप को रिवर्स कर लिया, शीर्षासन कर रहा हूं मैं, तो क्या उससे रिवर्स हो जाएगा? नहीं. विमुक्त ये अन्य पंथा न,
देर इज नो अदर पाथ। जो लोग कहते हैं कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, फिर हठ योगा मार्ग है, कुंडलिनी मार्ग है, राज मार्ग है, ये अलग अलग मार्ग है, तो क्या इस अलग अलग मार्ग में से आपको जो पसंद है वो आप ले लो। मुझे ये पसंद आया मैंने ये ले लिया। हर रास्ते वहीं जाते हैं खुदा के पास। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर लो, सब एक ही है। ये फील गुड वाला फैक्टर है, सब एक ही है। एक ही है तो अलग अलग क्यों है? देखो धर्मा में भी सेम, बट फिलोसॉफिकली, फिलोसॉफिकल गोल सेम नहीं है। बिकॉज नो वन एक्सेप्ट अद्वैतम, इवन दोज हु एक्सेप्ट शास्त्र, दे डोंट एक्सेप्ट अद्वैतम। एवरीबडी, दे डोंट एक्सेप्ट अद्वैतम। नैयायिका, दे डोंट एक्सेप्ट। योगा वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, द्वैतम भाव है। सो देर इज नो अदर वे, दिस इज द ओनली वे। बाय नॉलेज एंड नॉलेज अलोन यू विल बी फ्री फ्रॉम द डेथ साइकिल ऑफ डेथ, बर्थ एंड डेथ। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, यू विल बी अक्षरा। तो इसका मतलब है बाकी सब जो पाथ है वो गलत है, रॉन्ग है, ऐसा है क्या? नहीं, उसका अपना एक रोल है। मेडिटेशन का अपना एक रोल है। विपरीत भावना है आपकी, हैबिचुअल एरर है, उससे आपको ऊपर उठना है। कर्म का अपना रोल है, चित्त शुद्धि आपको चाहिए, निश्चलता चाहिए, ठीक है। भक्ति डिवोशन या हम उसको कहते हैं उपासना का अपना एक रोल है, और वो रोल उनको पूरा करना। जैसे पोल वॉल्टिंग, पोल का अपना एक रोल है, बट पोल के नॉट हेल्प यू, दैट पोल के नॉट हेल्प यू टू क्रॉस द बार। हेल्प यू इन द सेंस यू कांट क्रॉस द बार अलॉन्ग विद द पोल, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। सो हर एक का रोल है, उतना रोल आप यूज करो एंड देन यू मूव ऑन। इनफैक्ट समवेयर शास्त्रा ऑल्सो सेज इवन द शास्त्रा हैज अ रोल टू प्ले। यू गेन द नॉलेज थ्रू शास्त्रा एंड देन यू लीव द शास्त्रा। मंत्र 11, सर्वभूतस्तमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना। टू ग्रेट स्टेटमेंट्स हियर। सर्वभूतस्थम आत्मानम् संपश्यन्, सर्वभूतानि च आत्मनि, आई सी द सेम सेल्फ इन एवरी बीइंग और आई सी एवरी बीइंग इन माई सेल्फ। 10th chapter, 11th chapter ऑफ भगवद गीता, द कॉस्मिक लेवल। आई सी द सेम सेल्फ, मैं आत्मस्वरूप जो हर मैनिफेस्टेशन में व्यापक है, यहां पर हर रूप में, हर मैनिफेस्टेशन में व्यापक है, और जहां पे मैनिफेस्टेशन नहीं है वहां भी है। तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता इन बिटवीन? ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है हर एक जीव में, सर्वभूतम, हर एक जीव में जहां जहां मैनिफेस्ट है वहां मैं हूं। जीव के अलावा भी मैनिफेस्टेशन है ईश्वर का, वो क्यों नहीं दिखता हमें? इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बल्ब है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, ये बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट है, इसलिए आपको पता है कि बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब फ्यूज है तो नहीं पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा, उससे आपको नहीं पता चलेगा, और आपको पता चल के कोई फायदा नहीं होगा। सो जब तक ये सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से चैतन्यम मैनिफेस्ट होता है। जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है वहां चैतन्यम का मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन नहीं होता है। चैतन्यम है, सर्वव्यापी है, चैतन्यम सर्वव्यापी है,
लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होगा। सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी, चैतन्यम कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी, ऑल परवेसिव। लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा चली जाती है, उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे बाबा, आत्मा को क्या शांति मिलेगी, वो तो एवर शांत है, प्रशांतम। उसकी आत्मा को शांति आप देने वाले होते कौन है, जो हम खुद इतने अशांत हैं। आत्मा तो एवर प्रशांतम है। तो फिर मरने के बाद वो आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा कहीं नहीं जाती है भाई, आत्मा कहीं जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? सर्वत्र है, सब जगह वो विद्यमान है, तो वो कैसे जाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। मूवमेंट इज पॉसिबल फ्रॉम वन प्लेस वेर यू आर टू द अनदर प्लेस वेर यू आर नॉट। आत्मा यहां भी है वहां भी है, तो मूव कहां करेगी? इट के नॉट मूव। सो जन्म हुआ, मेरी आत्मा इसमें आ गई, मरने के बाद मेरी आत्मा चली गई यहां से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सभी भूतों में एक ही आत्मा है, और वो सारी आत्मा, वो सारी आत्मा नहीं, एक ही आत्मा मुझ में, जो जो आत्मा मुझ में है वही सारे जीवों में है। अच्छा, अगर सारे जीव अलग अलग है तो हर एक के लिए अलग अलग आत्मा होगी ना? नहीं, एक ही आत्मा, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है पूरे घर में, जो ये बल्ब में भी है, जो पंखे में भी है, जो बाकी सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में भी है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है। गैजेट्स अलग अलग हो सकते हैं, आपके इक्विपमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। संपश्यन, जिसने क्लियरली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्लियरली इस चीज को देख लिया, समझ लिया है कि मैं, ये एक आत्मा जो मुझ में है वो सर्वव्यापी है, और ये सारे जगत में जितने भी बींग है, लिविंग बींग है, उनमें जो आत्मा है वो मुझ में है, वही मुझ में है। तो मुझ में और तुझ में जब कोई भेद नहीं रहा, बज गोविंदम सेस, देन व्हाई आर वी एंटेगलाइजिंग विद अनदर वन? हम क्यों किसी से भिड़ते हैं फिर? जब मेरी आत्मा आपकी आत्मा कोई अलग नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो हम क्यों किसी से भिड़ते हैं फिर? तो जिसने इस बात को जान लिया कि ये एक आत्मा जो मुझ में है वही सर्वव्यापी है, सभी जीवों में है, और जो कुछ सभी जीवों में है वही मुझ में भी है, दिस इज जीवेश्वर ऐक्यम, ऐक्यम का भाव, कैवल्यम का भाव। नाउ दिस इज कैवल्यम, ही अटेन्स दैट ब्रह्मन। अन्येन हेतुना न, न अन्येन हेतुना, और किसी और हेतु से, किसी और वजह से वो इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, ब्रह्म की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। इट इज एम्फेसाइज्ड इन टू मंत्रास कंटिन्यूअसली, जो पिछले मंत्र में बोला देयर इज नो अदर पाथ, यहां पे भी बोला उसका कोई और पाथ है ही नहीं, कोई और जरिया नहीं है उसका। द ओनली वे इज टू नो that this Brahman, this Atma is in every being, and whatever is there in every being is in me, is same. It is not same, same. It is one Atma in all beings. Like one electricity in all the gadgets. Same thing is explained in chapter 6, verse 29, Bhagavad Gita. So there he says, the second line he says, Jnani is one who sees self as present in all beings, same self, जो मुझ में वो सब में present है वही। Just as the space in a pot, we say pot space, or space in a room, space in a kitchen, space in a hall, these are not different space. The space in a pot, space in a room, space in kitchen, space in a hall, are they different? No. This demarcation is because of upadhis. Upadhis which are superimposed on satyam. Upadhi yani jo humne superimpose kar diya satyam ke upar.
क्या सुपर इम्पोज किया? वॉल्स। ये वॉल हमने बना दिए, चार दीवारी, और कहा ये किचन स्पेस, ये वॉल हमने बनाई ये रूम स्पेस, ये पॉट हमने बनाया ये पॉट स्पेस। रिमूव द वॉल्स, स्पेस इज वन। यहां बैठ के आप बोल सकते हैं ना स्पेस इज वन, नीचे बैठ के हॉल स्पेस, ये ओपन स्पेस कैवल्यम। सो दिस, सो इनिशियली ही सेज आत्मा इज इन द बॉडी, देन लेटर ही सेज द बॉडी इज इन द आत्मा, स्पेस इज इन द पॉट, देन ही सेज पॉट इज इन दिस स्पेस, इन द टोटल स्पेस। सो स्पेस इज टोटल, पॉट इज लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड, बट हम लोग माया उपाधि की वजह से ये कहते हैं दिस इज पॉट स्पेस, घटाकाश आकाश स्पेस। सो स्पेस इन अ पॉट वी से प्रत्येगात्मा, स्पेस इन अ रूम प्रत्येगात्मा, स्पेस मीनिंग वी हैव टू कनेक्ट स्पेस और आत्मा इन एन इंडिविजुअल वी से प्रत्येगात्मा। आत्मा इज टोटल परमात्मा, आत्मा इन इंडिविजुअल प्रत्येगात्मा, आत्मा इन टोटल परमात्मा। सो दिस प्रत्येगात्मा इज परमात्मा, दैट परमात्मा इज प्रत्येगात्मा, देर इज नो डिफरेंस, बट डिफरेंस इज सीन बिकॉज ऑफ मिथ्या उपाधीज, बिकॉज ऑफ दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। पॉट स्पेस, अनदर सेकेंड पॉट स्पेस, अ लॉन्ग पॉट स्पेस, अ बिग पॉट स्पेस, अ स्मॉल पॉट स्पेस, अ थिक पॉट स्पेस, दिस आर डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पेस, ऐसा नहीं है। स्पेस इज वन एंड कॉमन, बट इन व्यवहार जगत वी यूज दिस टर्म, बट नाउ कॉग्निटिवली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज परमात्मा इन एवरी बींग। सो आत्मा इज इन बॉडी, एंड देन वी से दिस आत्मा इज ऑल परवेसिव, सो दिस बॉडी इज इन आत्मा, आत्मा इज नॉट इन द बॉडी। बोथ आर, आत्मा इज इन द बॉडी बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बॉडी, इट इज ऑल परवेसिव, देन ऑल द बॉडीज इन मी सेम आत्मा। देन परम ब्रह्म याति, सच अ पर्सन अटेन्स परम ब्रह्मन, ब्रह्म पश्यन ब्रह्म याति, ब्रह्म को देखना ब्रह्म को पाना एक ही बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।